मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जो स्नेह प्यार मुझको दे रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे प्रोग्राम को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास है कि आपको कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों की जानकारी प्राप्त हो। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया, फिर भी बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308। दोस्तों, आज आपके लिए एक कुंडली की नई जानकारी दे रहा हूँ, सूर्य राहु की युक्ति। दोस्तों, राहु भी अपने आप में प्रबल ग्रह है, सूर्य भी बुद्धि का सूचक है। ये दोनों जब एक जगह आते हैं तो किन किन लग्नों में क्या प्रभाव देते हैं, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके कुंडली में मेष लग्न है और उसमें सूर्य राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, समझदार होते हैं, इनके कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, दूरदर्शी होते हैं, चरित्रवान होते हैं। जिस व्यक्ति का वृषभ राशि में सूर्य राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग का जीवन उतार चढ़ाव में रहता है, ऐसे लोग संघर्ष अधिक करते हैं और समय समय पर इनको आर्थिक दिक्कतें आती रहती हैं, कभी भी आर्थिक रूप से सबल नहीं हो पाते। जिस व्यक्ति का मिथुन लग्न है उसमें सूर्य बुध सूर्य राहु बैठा हुआ है, मिथुन लग्न में हो उसमें सूर्य राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, माता पिता के सेवक आज्ञाकारी होते हैं, भाई बंधुओं के मित्र होते हैं, सामाजिक रूप से भी यही अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं और अपने कार्य करने की शैली इनकी बहुत ही तीव्र और अच्छी होती है। जिस व्यक्ति का कर्क लग्न है उसमें सूर्य राहु की युक्ति है। दोस्तों, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग की सोच गंदी होती है, ऐसे लोग की प्लानिंग अच्छी नहीं होती है, ऐसे लोग जीवन में अपने गलत सोच गलत कार्य की वजह से इनके जीवन में उन्नति नहीं हो पाता, आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। जिस व्यक्ति का सिंह लग्न है उसमें सूर्य राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं, अच्छा शिक्षा प्राप्त हैं, व्यवसायिक शिक्षा पाते हैं, आर्ट की शिक्षा प्राप्त करते हैं, संगीत का शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं और जीवन इनका सफल रहता है। जिस व्यक्ति का कन्या लग्न है उसमें सूर्य राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, गरीबों के सेवक होते हैं और उलझनों से दूर रहते हैं। जिस व्यक्ति का तुला लग्न है उसमें सूर्य और राहु की युक्ति है। दोस्तों, ये अच्छा नहीं होता है, तुला लग्न में सूर्य नीच का हो जाता है, ऐसे लोग अपने शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोग कभी इच्छानुसार उन्नति नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग की सोच गंदी होती है, ऐसे लोग जिद्दी और क्रोधी होते हैं, झूठ बोलते हैं और जीवन में हमेशा संघर्ष करते हैं। जिस व्यक्ति का वृश्चिक लग्न है उसमें सूर्य राहु की अगर युक्ति है तो ऐसे लोग राजनीति में आते हैं, गुप्त विद्या के द्वारा धन कमाते हैं, तीर्थ करते हैं, यात्रा करते हैं और धार्मिक कार्य में लीन रहते हैं। जिस व्यक्ति का धनु लग्न है उसमें सूर्य राहु की बैठा है। दोस्तों, धनु लग्न में राहु नीच भाव का हो जाता है, ऐसे में इन इज्जत प्रतिष्ठा पर हमला करता है, ये कोई भी काम में सफल नहीं होते हैं, नौकरी में भी सस्पेंड हो जाते हैं, नौकरी बेरोजगार रहते हैं, प्रयास में भी प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलता है और इनका जीवन कभी भी इच्छानुसार सुखमय नहीं होता। जिस व्यक्ति का मकर लग्न है उसमें सूर्य राहु की युक्ति है। दोस्तों,
ऐसे लोग व्यापार में घाटा खा जाते हैं, उद्योग में घाटा खा जाते हैं, ऐसे लोग गलत कार्य के कारण धन की हानि कर बैठते हैं और समाज में लाखों के कर्जदार हो जाते हैं। इनका जीवन कभी मानसिक पीड़ित रहता है, सफल नहीं रहते। जिस व्यक्ति का कुंभ लग्न है उसमें सोच और राहु की युक्ति है, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन लाते हैं, ऐसे लोग उद्योग करते हैं, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोग सांसद और विधायक बनते हैं। जिस व्यक्ति का मीन लग्न है उसमें सूर्य और राहु की युक्ति है, दोस्तों क्या बात है, ऐसे लोग कई जमीन जायदाद के मालिक होते हैं, ऐसे लोग शिक्षा से अधिक ज्ञान रखते हैं, ऐसे लोग समाज में अच्छा सम्मान पाते हैं, इनके संतान भी योग्य होते हैं, सांसारिक सुख का साधन इनके पास रहता है और उलझनों से दूर होकर के ये सामाजिक कार्य के तरफ अधिक झुकाव देते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने हमने रखा, सूर्य राहु की युक्ति किन किन लग्नों में क्या प्रभाव देता है, इसको आप शांति सुनिए। इससे कोई संबंधित प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा। इतना कहते हुए मैं आइए कुंडली समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।